जून को इब्राहिम राइजी 2021 के राष्ट्रपति चुनाव यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के परिणाम आने के बाद ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्ट बने और जीत हासिल की। वह अगस्त के शुरुआत में मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह लेंगे और ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में स्थापित हुए। हेलो दोस्तों, मैं शोहन और द ऑर्डरिंग में आपका स्वागत है। आज हम निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइजी और कुछ अंतरराष्ट्रीय स्थितियों पर उनके विचार के साथ साथ हाल ही में यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने से उनके इनकार करने से के बारे में हम बात करेंगे। सुप्रीम लीडर के बाद सरकार के दूसरे सर्वोच्च सदस्य का चुनाव करने के लिए 2021 के राष्ट्रपति चुनाव 18 जून को हुए थे। कई अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं ने चुनाव पर चिंता व्यक्त की थी। विशेष रूप से बाइडेन प्रशासन ने ईरान के कैंडिडेट्स की सामूहिक अयोग्यता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरानी लोगों को अपने नेताओं को चुनने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। कई लोगों ने चुनाव की लेजिटिमेसी पर सवाल उठा, तो कई चुनाव की सराहना करने के साथ साथ इब्राहिम राइजी को उनकी जीत पर बधाई करने के लिए आगे आए। राइजी ने 72% वोट्स के साथ चुनाव जीता। इस चुनाव में उनके 3 प्रमुख प्रतियोगी भी थे और 49% मतदान हुआ था, जो ईरान के इतिहास में सबसे कम रहा है। इब्राहिम राइजी 2017 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति रूहानी से हार गए थे। उन्होंने 2004 से 2014 तक डेप्यूटी चीफ जस्टिस, 2014 से 2016 से अटॉर्नी जनरल और 2016 से वर्तमान तक मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ ईरान होने के साथ विभिन्न विभागों में ईरानी जुडिशियरी में कार्य किया। वह अपने विचारों में कंजर्वेटिव होने के लिए जाने जाते हैं और इस पर इजराइल ने ईरान के सबसे एक्सट्रीमिस्ट प्रेसिडेंट होने के बारे में चिंताओं के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। वर्तमान में वो प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा ईरान पर लगाए गए यूएस सैंक्शंस के अधीन है। उन पर कुछ अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स संगठनों द्वारा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप भी लगाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों पर उनके विचारों की बात करें तो कई वर्षों से चले रहे मामलों के प्रति उनका रुख में बदलाव की संभावना बहुत कम है। उनके चुनाव पर यूएस की प्रतिक्रिया क्रिटिकल रही है और इसीलिए यूएस ईरान संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद नहीं है। चुनाव में यूरोपियन यूनियन की कम प्रतिक्रिया और ईरान न्यूक्लियर डील टॉक्स में ईरान की निरंतर भागीदारी के को देखते हुए ईयू के साथ संबंधों में सुधार होने की संभावना है। यद्यपि हम ईरान के पुराने दुश्मन जैसे इजराइल और सऊदी अरेबिया के साथ कुछ तनाव और खराब संबंधों को जारी रख सकते हैं, विशेष रूप से जब उन्होंने सऊदी अरेबिया को यमन में अपने हस्तक्षेप को रोकने के लिए बुलाया था। राइजी के साथ गल्फ देशों के साथ सहयोग में सुधार हो सकता है, जैसा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। अब मुख्य पहलू राष्ट्रपति चुनाव राइसी की जीत के बाद 21 जून को आयोजित पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। अंतरराष्ट्रीय समाचारों में मुख्य बात में अच्छी खबर यह है कि राइजी ने ईरान न्यूक्लियर डील के लिए चल रही वार्तालाप को का समर्थन किया, लेकिन इससे जुड़ा दूसरा पहलू जो एक साहसिक कदम लगता है, प्रेसिडेंट जो बिडेन से मिलने से उनका पूर्ण इनकार है। इसके साथ ही वह प्रेसिडेंट बनने से पहले ही यूएस सैंक्शंस के अधीन होने वाले पहले ईरानी राष्ट्रपति हैं। ईरान द्वारा वार्ता जारी रखने की खबर जो कि ईरान न्यूक्लियर डील के लिए है, जो हमने पहले 2 वीडियोस में डिस्कस किया है, प्लीज उन्हें देखिए, कुछ ऐसा है जिसका दुनिया को इंतजार था, क्योंकि बातचीत यानी टॉक्स वियना में अप्रैल 2021 से चल रही है और एक अच्छी दिशा की ओर ले जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।